जैसलमेर के पूर्व महारावल के निधन के बाद उनके लोगों ने, या कहें कि उनके उत्तराधिकारी नए महारावल का राजनीति तिलक होगा। हम आपको बता दें कि पूर्व महारावल बृजराज सिंह के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी नए महारावल का राजतिलक होना है। जैसलमेर रियासत के नए महारावल चैतन्य राज सिंह का राजतिलक आगामी 15 जनवरी को होगा, जिसके लिए भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह की जानकारी राज परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए भी दी। नए महारावल के राजतिलक को लेकर स्थानीय जनता भी खासा उत्साह में दिखाई दी। दुर्ग के सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और साफ सफाई से लेकर सजावट के काम किए जा रहे हैं। वहीं राजतिलक की पूर्व संध्या पर सोनार दुर्ग के प्रत्येक घर के आगे दीपक जलाए जाएंगे, साथ ही किले के दशहरा चौक में दीपमाला का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही दुर्ग के अंदर विभिन्न जगहों पर रियासतकालीन जैसलमेर के ध्वज बनाए जा रहे हैं। राजतिलक के बाद आमे दरबार में महारावल के रूबरू होंगे, महारावल से रूबरू हुआ जाएगा, जिसके बाद राजतिलक के दिन नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में राज्य परिवार के द्वारा 56 भोग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जैसलमेर की जनता हिस्सा लेगी। दुर्ग एकजुट होकर के उनके भव्य आयोजन के लिए तैयारी कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हर नागरिक को इस भव्य आयोजन में जैसलमेर के 36 कौम को जुड़ करके और इस आयोजन को भव्य बनाना चाहिए। भाई जो उन्होंने 82 में जो राजतिलक देखा था बृजराज सिंह जी का, उससे 21 करने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे सज धज के ऊँटों की सवारी निकालनी है, घोड़ों की सवारी निकालनी है और फूल माला से पूरे किले को, दीप माला से पूरे किले को सजाना है। जैसलमेर दुर्ग का इतिहास रहा है कि एक परिवार की तरह ही रहा है। हम हमारी दहलीज को जो है वो किले के प्रथम रोल को मानते हैं और उस दहलीज से हमारी ये तैयारियां शुरू हुई है कि पूरा घर जो एक दुर्ग पूरा घर है, ये परिवार इसको उत्सव की तरह मना रहा है और हर घर के आगे महिलाएं रंगोली करेगी, दीपमालाएं होगी और प्रति परिवार के प्रति सदस्य को ये उत्साह है कि हम अपने नए राजा को वेलकम करें। बुलेटिन में राजस्थान के खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।